दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी समृद्ध और संपन्न होंगे। खुश रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। खुश रहने से कई सारे काम अपने आप हो जाते हैं। उसका एक रीजन है दोस्तों, जो लोग खुश रहते हैं उनका मनोबल कई गुना अधिक बढ़ जाता है, और जिसके पास मजबूत मनोबल हो उसके सामने समस्याएं ऐसे भी टिक नहीं पाती दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल, और उतना ही उसका प्रभाव इस क्रिया को करने से। दोस्तों जो लोग सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूज उनके दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो कुछ नहीं करना चाहता हो, लेकिन वो कर नहीं पाते। उनका दिमाग एक कंफ्यूज मुद्रा में रहता है, ये करूंगा होगा नहीं होगा, जैसे बिजनेस करना है, नौकरी का प्रयत्न करना है, या फिर कोई काम करना है, या फिर कई रुके हुए काम, वर्षों से रुके हुए काम, जो काम वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर घर में फैमिली मेंबर्स के बीच में अनबनाव रहना, वो बोलना अच्छा चाहते हैं लेकिन अनायास उनके मुंह से कुछ इस टाइप के तीक्ष्ण शब्द निकलते हैं जो सामने वाले को खराब लग जाते हैं, और उसके कारण सामने वाला उनसे नाराज हो जाता है, तो काम बनने की जगह काम बिगड़ जाता है। और जिन लोगों में इस टाइप की समस्याएं देखी जाती हैं, वो लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं दोस्तों, और इस टाइप से रहते रहते वो अपने आप को ये मान चुके होते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते या उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, और दूसरे लोगों को भी उनके बारे में इसी टाइप से थिंकिंग हो जाती कि ये क्या कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता। ऐसा दोस्तों आपने भी कई लोगों के लिए सुना होगा कि घर वाले भी उनको एक उनका ना कोई प्लेस होता है, ना जगह होती है, कुछ भी नहीं होता है, उनका अस्तित्व ही जीरो हो जाता है। तो जिनका अस्तित्व खत्म हो चुका हो ऐसे लोगों को भी ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध होगा दोस्तों। ये शुरू करने से पहले मैं आपको निवेदन करूंगा कि मेरी चैनल की पहली बार जो भी व्यूअर मुलाकात ले रहे हैं वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। इसके साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों आप जब सुबह नींद से उठते हैं, जैसे ही आपकी नींद खुलती है और आप बिस्तर छोड़ते हैं, उसी टाइम कुल्ला किए बिना कोई भी ब्रश नहीं, कुछ नहीं लेना है आपको। जैसे आप नींद में से उठ के आपने बिस्तर छोड़ा, आप सबसे पहले शहद की एक छोटी सी बोतल ला के रखें, जिसको हनी भी कहते हैं, कि किसी भी मेडिकल पे आप जाएंगे और हनी नाम से मांगेंगे आपको शहद मिल जाएगा दोस्तों। वो ला के रख लें आप, और सुबह जैसे ही उठें, मैंने आपको बता दिया है कि नींद से उठते ही सीधा आप एक टीपा एक बूंद जैसा शहद चाट ले अपनी जीभ से,
अंगली से या कैसे भी ऐसे आप एक बूंद शहद चाट लें। बस दोस्तों, बोलने की जरूरत नहीं है, आप कुछ दिन 10 दिन या 15 दिन आप करके तो देखिए, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे और आपके ऊपर जो नेगेटिविटी ने अपना शासन जमा रखा है वो नेगेटिविटी किस रास्ते निकल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। और आपको जो मान सम्मान नहीं मिल रहा है समाज में, परिवार में, वो सारे मिलने लग जाएंगे। आपकी वाणी में भी मिठास पैदा हो जाएगी और दोस्तों, आप जिस काम को हाथ लगाएंगे वो काम आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ लगाते ही वो काम बन गया। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये शास्त्र सम्मत है दोस्तों। इसके साथ साथ शहद, जो ताजे जन्मे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे का जन्म हुआ हो और उस बच्चे की जीभ पे सोने की सलाई से शहद लगा के उसकी जीभ पे अगर ओम लिखा जाता है दोस्तों, वो बच्चा एक होनहार बच्चा ही होता है। वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता दोस्तों। वो जिस क्षेत्र में भी एंटर होगा वहां उसका एक जबरदस्त प्लेस होगा और उसकी एक मजबूत जगह होगी। उसके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, वो धनी व्यक्ति होगा। वो उसके पास ये जितनी भी ऐशो आराम की चीजें हैं वो सारी उसके पास होंगी दोस्तों। शहद एक बहुत ही पवित्र चीज है दोस्तों। ये फूलों का रस है, सारे फूलों का रस है। ये देवता भी, देवताओं को भी शहद चढ़ाया जाता है दोस्तों। देवता भी इसको बहुत पसंद करते हैं। ये कई प्रकार के फूलों का रस है, ये आप जानते ही होंगे कि मधुमक्खियों के द्वारा ये बनाया जाता है छत्ता, और वो फूलों का रस ला ला के वहां जमा करती हैं और उसके बाद वो शहद बनता है। शहद को दोस्तों अपने कोई भी यज्ञ में, कथा में जो पंचामृत बनता है उस पंचामृत के अंदर भी शहद को डाला जाता है, जिससे वो पंचामृत भी पवित्र हो जाए। तुलसी दल, शहद, ये सब चीजें उसको देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन चीजों का उपयोग किया जाता है। तो ये करने से आपका हर काम सिद्ध होगा। हर काम से मतलब कोई भी आपकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी दोस्तों। आप जो चाहेंगे वो होगा और आपकी वाणी इतनी मिठास उसमें आ जाएगी। ऐसे भी दोस्तों आपने कई जगह देखा होगा या सुना होगा, कोई भी शुभ काम के लिए जाते हैं, जैसे नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, या किसी बड़े काम का मुहूर्त करने जा रहे हैं, या फिर कोई टेंडर भरने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम बड़ा करने जा रहे हैं, तो दोस्तों घर से मीठा मुंह करके निकलने की प्रथा है। तो ये शहद इतना गुणकारी है दोस्तों, इसका आप उपयोग करके तो देखिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इससे आपको कितने फायदे हो गए। इसके साथ दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी को समझने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों पूछें अवश्य। नमस्कार।